तो दोस्तों वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्या अकाउंट्स गुरु। और आज का जो टॉपिक है भाई बहुत ही ज्यादा पुराना है। पुराना कैसे? क्योंकि इससे पहले इसकी एक वीडियो बन चुकी है जिसमें मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी थी कि कैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ाऊं, आपको फुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाऊं। तो ये नहीं किया, थोड़ा 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 बेसिक बेसिक नॉलेज दे दिया और आपको बेसिक ही पढ़ा दिया। तो मेरा ये सोचना है कि क्यों ना आपको मैं पूरी डीप नॉलेज दूं, कोई भी टॉपिक हो चाहे वो छोटा सा छोटा ही टॉपिक क्यों ना हो, तो उसके बारे में भी हम क्या करें पूरे तरीके से पढ़ें, बिल्कुल भी थोड़े तरीके से ना पढ़ें, बिल्कुल किस तरीके से पढ़ें पूरे तरीके से पढ़ें। क्योंकि यार देखो कोई रेस तो लगी नहीं है कि भागो यार दौड़ लगाओ और सबसे पहले हमें आगे आना है और रेस को जीत के जाना है, तो ये चीज तो है नहीं, है ना। हमें अगर हल्के हल्के भी अगर हम चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं तो यार हमें आ जाएगा। और अगर हम हल्के हल्के भी चलते हैं, हल्के हल्के भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो ये होगा कि हमारा जो बेस होगा वो बहुत क्लियर हो जाएगा। और हमारा सबसे बड़ी बात है कि जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तब हम हायर क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें यह करना पड़ेगा, अपने अपने बेस को क्लियर करना पड़ेगा। और जिस दिन हमारा बेस क्लियर हो जाएगा उस दिन एग्जाम के अंदर कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। तो फिर जब कसम खा ली है कि भाई हर एक क्वेश्चन कराएंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो टफ हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे वो हायर डिफिकल्ट हो, कोई भी क्वेश्चन होगा कोई भी डाउट होगा उन सारे डाउट को क्लियर करेंगे। चाहे उसके लिए मुझे 100 वीडियो बनाने पड़े, चाहे मुझे उसके लिए 1000 वीडियो बनाने पड़े, मैं बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगा अपनी तरफ से। सारे के सारे जितने भी कंफ्यूजन हमारे माइंड के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड हो या 12th के अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड हो, उन सभी चैप्टर के कंफ्यूजन उन सभी चैप्टर के डाउट्स को हम क्या करेंगे यहां पर आकर रोज क्लियर करेंगे। हो सकता है कि वीडियो कभी कभी देर हो जाए आने में, पर घबराना मत, ठीक है, वीडियो रोज आएंगे। और दूसरी बात, जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं भाई उनको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का प्यार जब तक मिलता रहेगा तो मैं कभी नहीं रुकूंगा वीडियो बनाने में, मैं हमेशा करते रहूंगा, ठीक है। तो प्लीज आप भी अपना सपोर्ट करते रहिए, है ना, शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इसकी हेल्प हो। बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोस्तों अगर यहां पे बात करें कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किन दो टाइप से निकाला जाता है, वो है भाई एज अ चार्ज अगेन प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पे दो वर्ड का नाम आपके सामने लिया है, कौन कौन से दो वर्ड हैं? वो है यहां पे अप्रोप्रिएशन और एक है यहां पे चार्ज। भाई चार्ज का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जब आप कंपलसरी कहते हो कि भैया लगाना ही है लगाना ही है, तो भैया लगाना ही है ना। यानी कि अगर आपको किसी इंप्लॉय की सैलरी देनी है तो देनी है, अगर आपको किसी का रेंट पे करना है तो करना है, अगर आपको अपने दोस्त के पैसे वापस करने हैं तो करने हैं जो उससे लिए थे, तो भैया उसको पैसे वापस कर भी देना, ठीक है। आप समझते हैं कि चार्ज का मतलब तो हम क्लियर हो गया कि भाई कंपलसरी नेचर का इंसान होता है, आपको कोई भी एक ऐसा एक्सपेंस जो भैया देना है तो देना है, वो चार्ज होता है ना। कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐसा चार्ज माने तो किन तरीके से निकालेंगे। और अगर हम बात करें एन अप्रोप्रिएशन के बारे में, तो अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास ये होना चाहिए, यानी कि क्या कि आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं है तब तक आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? नहीं दोगे। तो जब प्रॉफिट होगा तो आप दोगे। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस बिजनेस का जो क्या होता है प्रॉफिट होने पे ही दिया जाता है, वो क्या होता है एक तरीके से अप्रोप्रिएशन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऐसे, आप किसी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप किसी पार्टनर को सेल दे रहे हैं, तो ये इसके क्या हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं कि ऐसा चार्ज कैसे दिया जाएगा और ऐसा अप्रोप्रिएशन कैसे दिया जाता है। कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए एप्रोप्रिएशन दिया जा रहा होता है तो किन किन केसों में दिया जाता है, इसके होते हैं सर तीन केस। तीन केस कौन से? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो पहला केस, व्हेन देयर इज अ लॉस, कि जब फर्म को लॉस होगा तो क्या उस समय आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउट करोगे? हैं, करोगे करोगे नहीं करोगे? मतलब है नहीं, अपने पास तो नहीं है, तुम ले जाओ, है? तो ऐसा नहीं करना आपको कि जब क्या हो, फर्म को लॉस हो तो उस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। ऑन एप्रोप्रिएशन विल बी पेड ओनली व्हेन देयर इज अ सम प्रॉफिट, कि जब आपके पास कुछ प्रॉफिट हो तभी आपको क्या करना है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करनी है और मत देना किसी को। अब बात करते हैं इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, कि जब आपके पास रोकड़ा हो, यानी कि आपके पास प्रॉफिट हो, सफिशियंट हो, ये नहीं कह रहा हूं कि करोड़ों में पैसे आ गए,
सफिशियंट हो, देने लायक पैसा हो, यानी कि जितना देना है उतना होना चाहिए, यानी कि जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं इज इक्वल टू उतना रिवेन्यू होना चाहिए, तभी आप उसको बोलते हैं क्या सफिशियंट प्रॉफिट। तो उस सिचुएशन में क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि जब पैसा है तो देने में क्या जा रहा है भाई, बिल्कुल दोगे, है ना, और जो रेट पे बोला है उसी रेट पे दोगे। अब बात करते हैं तीसरे केस के बारे में, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अभी तो बात करते हैं सफिशिएंट, अब बात करेंगे इनसफिशिएंट, कि जब प्रॉफिट है ही नहीं, जब सफिशिएंट ही नहीं है, जब है ही नहीं उतना, यानी कि एक्सपेंसेस ज्यादा है पर जो प्रॉफिट है वो कम है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट को ऐसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड कर देते हैं। बट कैसे, कि पहले हम पार्टनर क्या करते हैं, एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ रही है उसको निकालते हैं, उनको बनाते हैं, रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, और उसी रेशियो से हम क्या करते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उस समय क्या होता है, ये तीसरा केस अलाउड होता है, ठीक है। बट कब, जब आपके पास क्या होता है इनसफिशियंट प्रॉफिट होता है। तो बी पार्ट देखते हैं, तो बी पार्ट है कि भाई एज अ चार्ज आप कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करोगे। तो भाई चार्ज का मतलब यही होता है कि कंपलसरी देना ही देना है, तो भैया पार्टनरशिप डीड में जितना लिखा होगा उतने परसेंट से पूरा पूरा देना ही है, चाहे भले ही आपको लॉस हो, चाहे भले ही आपको प्रॉफिट हो, पर आप क्या करोगे खुशी खुशी से इन, तो आप क्या करोगे उसे खुशी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करोगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को जरूर दो, कि जब आप 11th में पढ़ रहे थे तो 11th में आपका फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता था, यानी कब से होता था, 1 अप्रैल से, तो उस समय जब आप स्टॉक ओपन करते थे तो उसको क्या बोलते थे, क्या ओपनिंग स्टॉक। तो जब आप क्लोजिंग करते थे अपने ईयर को तो उस समय जो स्टॉक बचता था तो उसको आप क्या बोलते थे, क्लोजिंग स्टॉक। तो जब आप क्या करते हैं अपने कैपिटल को 1 अप्रैल को रिड्यूस करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, और जब हम क्या करते हैं उसको क्लोजिंग करते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। तो यहां पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन फिर आया होगा कि क्या यार ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे या क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो भाई इसका सीधा सीधा सा आंसर है कि आपको हमेशा बिना कुछ सोचे हमेशा किस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है। किस कैपिटल पे निकालना है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है, बिना किसी सोचे आपको हमेशा 1 अप्रैल वाली पे ही क्या निकालना है, अपना इंटरेस्ट निकालना है। अब कुछों के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं मिली, हमें क्या मिल गई, क्लोजिंग कैपिटल मिल गई, तो उस सिचुएशन में सर हम कैसे ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे ताकि हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सके। तो दोस्तों ये फॉर्मेट आपको थोड़ा याद जैसा लग रहा होगा कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, तो अभी जब समझाऊंगा तो याद आ जाएगा कि कब पढ़ा था। तो सबसे पहले जब ओपनिंग कैपिटल, देखो अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल यानी कि कैपिटल एट द एंड आपको दी गई हो और ओपनिंग कैपिटल वहां पे नहीं दी गई हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए क्योंकि उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पे, कि अपनी कैपिटल ऑफ द एंड यानी कि क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड करेंगे क्या, उस पूरे साल में जितनी भी ड्रॉइंग होगी उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे कि अगर मान लो आपको उस साल क्या हुआ, लॉस हुआ, तो जितना भी लॉस हुआ उसको क्या करोगे आप, ऐड करोगे। उसके बाद जितनी भी एडिशनल कैपिटल उस साल आपने लगाई है उसको आप लेस कर दोगे, और अगर मान लो लॉस की जगह उस साल प्रॉफिट हुआ है तो उसको आप क्या कर दोगे यहां पे, लेस कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप ये पूरा काम करोगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एट द बिगिनिंग। अब मैंने आपको यहां पे ये बोला था कि आपको याद जैसा आ जाएगा, क्योंकि आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा इसका नाम था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो वहां पे आपको या आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, कि कैसे वहां पे ओपनिंग कैपिटल निकाली जाती है। तो अब इसे समझते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में होगा, बोर्ड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि ऑन March 31st, 2016 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट द कैपिटल ऑफ माउंटेन Hill and Rock stood in the books of the firm at ₹4 lakh, ₹3 lakh and ₹2 lakh respectively. तो इसका मतलब यह है कि भाई March 31st, 2016 को जब अकाउंट क्लोज हुए तो उस समय जो कैपिटल है, कौन सी क्लोजिंग कैपिटल है, पार्टनर यानी कि माउंटेन हिल और यानी कि माउंटेन हिल और रॉक की, वो कितनी कितनी बताई गई है यहां पे, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी कि
जो पहले आया वो उसकी वो पहली कैपिटल है। उसके बाद बोला है सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 10% पर एनम, कि यहां पे डिस्कवर ये हुआ अचानक से कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना भूल गए, उसको चार्ज करना हम यहाँ पे भूल गए, जो कि कितना था 10% पर एनम के हिसाब से था। फिर बोला द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000, जो भैया प्रॉफिट था यहाँ पे वो 1,50,000 है, और जो पार्टनर की ड्रॉइंग है द पार्टनर ड्रॉइंग हैड बीन माउंटेन हिल एंड रॉक, तीनों की यहाँ पे ड्रॉइंग देखी 20,000, 15,000, 10,000। और उसके बाद लास्ट में आपसे बोला है कि आकर करिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे इन्होंने जो आपको कैपिटल दी है वो कैसी कैपिटल है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है। और जब क्लोजिंग कैपिटल आपको दी होती है तो उस समय आप क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पे सबकी, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, हमको पता है हमारा रूल कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, अपनी क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। कौन सी कैपिटल चाहिए अपने को, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। ये है हमारे माउंटेन साहब, और उसके बाद क्या थे हमारे हिल जी, उसके बाद क्या थे हमारे रॉक जी, रॉक इन द रोल। उसके बाद क्या है यहां पे पर्टिकुलर, तो सबसे पहले बात करेंगे अपनी क्लोजिंग कैपिटल। इन सब की जो क्लोजिंग कैपिटल है साल में वो कितने कितने थी, तो माउंटेन की है 4,00,000, हिल की है कितनी 3,00,000, और रॉक की कितनी है 2,00,000। ठीक है, हमने क्लोजिंग कैपिटल लिख दी। उसके बाद फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट पे देखो जल्दी से। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं क्या, ड्रॉइंग। क्या करते हैं सबसे पहले हम ऐड यहां पे ड्रॉइंग, जो पार्टनर ने ड्रॉइंग करी है उसको ऐड कर दो। अब पार्टनर की ड्रॉइंग क्या क्या है, माउंटेन की ड्रॉइंग देखो क्वेश्चन में कितनी है 20,000, ठीक है। उसके बाद हिल की कितनी है 15, और रॉक की कितनी है 10,000। आपको यह करना है सबसे पहले इन सबको ऐड कर लेते हैं, यहां पे कितना 4,20,000, यहां पे कितना 3,15,000, यहां पे कितना 2,10,000। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं यहां पे, अगर हमें प्रॉफिट हो तो हम लेस करते हैं, और अगर हमें लॉस हो तो उसको हम ऐड करते हैं। पर यहां पे हमें क्या दिया, प्रॉफिट दिया, जो यहां पे क्वेश्चन में पहले ही बांटा जा चुका है। अब हम क्या करेंगे यहां पे, अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे यहां पे लेस करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सबका प्रॉफिट टोटल कितना था यहां पे 1,50,000। और देखो कोई रेशियो दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया। और जब कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना गिवन हो तो वहां पे क्या करते हैं, हमेशा इक्वल करते हैं। तो कितने लोग हैं, 3 लोग, 3 से डिवाइड कर लो, कितनी बार 5 बार। तो यानी कितना कितना मिलेगा यहां पे सबको 50,000 यहां पे लेस करना पड़ेगा। चलो ये लेस कर लेते हैं, यहां पे कितना आएगा 7,370,000, और यहां पे कितना, यहां से 5,62,65,000, और यहां पे 2,300,000, और यहां पे 1,60,000। ठीक हो गया, यहां पे क्लियर हो गया होगा आपको। तो इससे क्या मिल गया हमें अपनी लास्ट में, कैपिटल एट द बिगिनिंग यहां पे आपको मिल गई है। ठीक है, तो बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, पहले क्लोजिंग कैपिटल लो, उसमें ड्रॉइंग ऐड करो, और लॉस है तो लॉस को ऐड कर दो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट को लेस कर लो, उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो उसको भी लेस कर लो, और यहां पे फिर आपको क्या मिल जाएगी, कैपिटल एट द बिगिनिंग। तो बहुत इजी है, टफ बिल्कुल नहीं है। तो जब आपको कैपिटल मिल गई आपकी एट द बिगिनिंग, तो क्या करना है यहां पे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो वो भी निकाल लेते हैं यहां पे सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको क्या रेट में मिलना है, 10% मिलना है।
तो सिंपल है यार, 3 लाख का तो सिंपल है यार, 3,70,000 का 10% कितना, 37,000, इसका 10% कितना हो गया 26,500, और इसका 10% कितना हो गया 1,60,000 है, सॉरी गलती हो गई यहां पे, तो ये जाएगा कितना 16,000। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे आप इनसफिशिएंट प्रॉफिट के टाइम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले न्यूमेरिकल कैसे करते हैं और सफिशिएंट वाले कैसे करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और प्लीज अपने अपने कमेंट्स देते रहो, और कोई डाउट पूछना तो प्लीज कमेंट पे लिख दिया करो, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको सारे डाउट क्लियर करते रहूं। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अच्छा लग रहा है तो भाई जो घंटी लगी है उसको जोर से मारो ताकि मुझे भी सुनाई है उसकी आवाज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।